गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस के अंदर। तो आज का जो हमारा विषय है वह है 9th, 10th, 11th, 12th और कंपटीशन जो जितने भी होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा विषय है वह है अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवण जो कि एक 10th क्लास में भी एक चैप्टर है, तो उसी चैप्टर से आज हम केवल डिस्कस करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अम्ल। तो देखेंगे अम्ल की परिभाषा। नॉर्मल अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी आप व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे तो इसकी सरलतम परिभाषा लिखी हुई है कि अम्ल क्या है। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे सामान्य जैसे नींबू का जो स्वाद है खट्टा होता है, आम खट्टा होता है, तो अन्य जो बहुत सारे फल हैं वे खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें अम्ल पाया जाता है। लेकिन हम अम्ल की परिभाषा देखें, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषा प्रस्तुत की। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हिनियस। तो आर्हिनियस ने अम्ल की परिभाषा अलग दी। तो आप देखेंगे आर्हिनियस के द्वारा परिभाषा की है, व्हाइट बोर्ड पर आपको वह परिभाषा दिखाई दे रही होगी। तो आर्हिनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। यानी अम्ल को हम जब जल में घोलेंगे तो वह हाइड्रोनियम आयन देते हैं और हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट करते हैं H3O+। फॉर एग्जांपल देखें, आपको यहाँ एग्जांपल दिखाई दे रहा है, जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में हम मिला रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है H3O+ Cl-। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक और जल की प्रक्रिया के बाद आपको दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक हमारा हाइड्रोनियम आयन, दूसरा क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन ये HCl दे रहा है, इसलिए क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार यहाँ पे अन्य एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे नाइट्रिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल से हम क्रिया करा रहे हैं इसकी जल की, तो वहाँ पे HNO3+H2O, तो वहाँ पर ही हमें H3O+ और हमारा NO3 जो नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। तो ये इस प्रकार से अम्ल की परिभाषा रही। अब इसके एग्जाम्पल देखें हैं तो अम्ल जैसे हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है, मैलिक एसिड है, आदि ये अम्लों के उदाहरण हैं। इसके बाद देखेंगे हम कि क्षार क्या होते हैं, यानी बेस क्या होते हैं। तो क्षार हम देखें सामान्यतः वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, और इनका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है। यानी पानी घुलने वाले का जलीय विलयन हम चेक करें तो इस तरह से जैसे साबुन का घोल चिकना चिकना महसूस होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे क्षार होते हैं, उनके जलीय विलयन साबुन के समान चिकने प्रतीत होते हैं और इनका लिटमस पेपर के स्वभाव यानी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी जे अम्ल के अपोजिट होते हैं। तो यानी महत्वपूर्ण बात क्या रही कि यहाँ पर देखेंगे आप क्षार कैसे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण करके आया कि इनका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है, और तीसरी बात थी इनका जो लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, लाल वाले लाल लिटमस पेपर होता है उसे नीला कर देते हैं। अब इसकी हम बात करें जो क्षार थे आर्हिनियस ने इसकी क्या परिभाषा दी। जिस प्रकार आर्हिनियस ने अम्ल को परिभाषित किया ठीक उसी प्रकार उन्होंने क्षार के संदर्भ में भी कहा। तो आर्हिनियस ने क्या कहा देखेंगे, व्हाइट बोर्ड पर यहाँ नोट हो रहा है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH- आयन देते हैं। तो जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल में यहाँ NaOH को NaOH- KOH
ए पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव। तो यहाँ पर ओ एच क्या है, ये ओ एच हाइड्रोक्सिल आयन है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्षार की परिभाषा रही। तो आप यहाँ पे अम्ल और क्षार की परिभाषा में आपको अंतर समझ में आया होगा। क्षारों के कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार ये प्रमुख क्षार हैं। अब हम देखेंगे अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। तो यहाँ पे आपको दोनों में व्हाइटबोर्ड पे देखेंगे, एक तरफ अम्ल है एक तरफ क्षार। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हमने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जबकि हमारे क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो एच नेगेटिव आयन देते हैं। इस प्रकार और अम्ल और क्षार आपस में दोनों क्रिया की जाए तो ये दोनों उदासीन पदार्थ यानी लवड़ बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार का आपको परिचय दिया गया। हम अगली जो हमारी वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे लवड़ क्या होता है, लवड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।